Assalamu alaikum, little artists. I am Faryal, your art teacher. In this lecture, you will learn what is pencil shading and why it is important in drawing. I will introduce you with tools and shading styles and how to use them by taking care of light and darks in a drawing. Aaj ki is video mein मैं आपको बताऊंगी पेंसिल शेडिंग होती क्या है और ये क्यों अहम है, क्यों जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको इसके टूल्स के बारे में बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी ड्राइंग में लाइट एंड डार्क्स को किस तरह से यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन। टू स्टार्ट अ शेडिंग यू नीड अ फ्यू टूल्स, स्केचबुक, शेडिंग पेंसिल्स, erasers, sharpener, blending materials, if you like, cotton buds, stumps, brushes. Here are some material pictures, a sketchbook and other stationery items. Before we learn shading, we must know what is shading. Shading makes the flat 2D drawing into real 3D by creating the illusion of depth and form. It is done by adding values light to dark with pencils, charcoal, pastels, crayons and paints. Shading hamari flat और 2D ड्राइंग को रियल और 3D बनाती है। लाइट और डार्क्स जब हम पेंसिल के साथ क्रिएट करते हैं, ये लाइट एंड डार्क्स हम डिफरेंट मीडियम्स को यूज करके भी दिखा सकते हैं, जैसे कि चारकोल, वाटर कलर्स, क्रियॉन्स एंड पेस्टल्स और बहुत से मीडियम्स के साथ। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ शेडिंग इन डिफरेंट मीडियम्स। In this slide, I have a few examples of shading in different mediums. The first drawing is in pencil shading. The second drawing is in mixed media. The third one is in watercolor. The fourth drawing is in pencil shading. The fifth drawing is also in pencil shading. The sixth one is in pencil colors. Shading is not a guessing game. There are different styles and techniques to do it. Shading करने के कुछ styles भी होते हैं और हर artist इसको अपने choice से use करता है. Here are some shading styles. Hatching, cross hatching, circles, stippling, scribbling and blending. Here is the image of different styles. Let's try shading styles. शेडिंग स्टाइल्स में फर्स्ट है हैचिंग। हैचिंग में लाइंस गैप्स के साथ ड्रॉ की जाती हैं। जितनी ज्यादा लाइट दिखानी हो शेडिंग में उतने गैप्स बढ़ा दिए जाते हैं। क्रॉस हैचिंग में भी इसी तरह लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, लेकिन लाइंस को क्रिस क्रॉस अंदाज में बनाया जाता है। सर्कल्स में छोटे छोटे सर्कल्स के जरिए शेडिंग की जाती है और इसमें लाइट एंड डार्क्स का ख्याल रखते हुए सर्कल्स की तादाद कम या ज्यादा की जाती है, जिससे हमें शेडिंग में डार्क, मीडियम और लाइट इफेक्ट नजर आता है। स्टिपलिंग में छोटे छोटे डॉट्स के साथ लाइट एंड डार्क्स क्रिएट किए जाते हैं। जितने ज्यादा डॉट्स होंगे
उतनी शेडिंग डार्क, और जितने कम डॉट्स होंगे उनमें गैप ज्यादा होगा उतनी ही शेडिंग लाइट नजर आएगी। स्क्रिबलिंग में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से पेंसिल के साथ डार्क, मीडियम और लाइट टोन शेडिंग में क्रिएट की जाती है। ये बहुत आसान तरीका है शेडिंग करने का। ब्लेंडिंग में उसी तरह स्क्रिबलिंग की तरह ही पेंसिल को मूव किया जाता है, लेकिन इसमें ख्याल ये रखा जाता है कि लाइंस हमें कम नजर आए और वो ब्लेंड हो जाएं। इसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं। हम जो लाइट एंड डार्क्स की बात कर रहे हैं उसको आर्ट लैंग्वेज में टोनल वैल्यूज कहा जाता है। टोनल वैल्यूज आर द लाइट्स एंड डार्क्स क्रिएटेड विद पेंसिल स्ट्रोक्स ऑन अ फ्लैट ड्राइंग। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 लाइट टोन और शेड, नंबर 2 मीडियम टोन और शेड, नंबर 3 डार्क टोन और शेड। हियर इज द पिक्चर एग्जांपल ऑफ टोनल वैल्यूज। नंबर 1 लाइट शेड और टोन, नंबर 2 मीडियम शेड और टोन, नंबर 3 डार्क शेड और टोन। शेडिंग प्रैक्टिस। There are two methods of shading practice. In method 1, draw a few boxes like this and fill these in different shades or tones. Start from the darkest and go to the lightest. आपने इस तरह के छोटे-छोटे box draw करने हैं एक paper पे, और हर box में आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फिल करनी है। शुरू आप सबसे डार्क टोन से करेंगे और ग्रेजुअली इन टोन्स को आप लाइट करते जाएंगे। हर बॉक्स के साथ हर टोन लाइट से लाइटर होती जाएगी। Method 2 is the hand muscle practice. Start with the maximum pressure of your pencil and decrease the pressure with a gap of 5 seconds. 5-5 second ke gaps ke baad apne pencil ke pressure ko halka karte jayein. Is tarah aap gradually dark, medium aur light tone apni shading mein hasil kar sakte hain. Iski practice aap tab tak karenge जब तक आपको अपने हाथ पर पूरा कंट्रोल नहीं आ जाता। Shade with me. Apple
पेंसिल सबसे आसान ऑब्जेक्ट है शेडिंग सीखने के लिए। इसकी ड्राइंग बनाने के बाद मैं इस पर आने वाली लाइट दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक सूरज बनाया है। अब रूलर के साथ मैं इस सूरज से आने वाली रोशनी को मार्क करूंगी। अब इससे बनने वाला जो शेडो है एप्पल का, मैं उसको लाइंस के साथ ड्रॉ कर रही हूं। अब मैं एप्पल पर डार्केस्ट एरिया को लाइन के साथ हाईलाइट कर रही हूं और उसमें डार्क शेड कर रही हूं। शेडिंग डार्क से मीडियम और ग्रेजुअली लाइट हो जाएगी। जहां जहां एप्पल पर लाइट आ रही है वहां लाइट शेडिंग, और जहां जहां कम लाइट आ रही है वहां डार्क शेडिंग होगी। हाइलाइट के लिए मैं इरेजर से शेडिंग मिटा रही हूँ। इस एरिया पर सबसे ज्यादा लाइट आ रही है। अब मैं शेडो को शेड कर रही हूँ। एप्पल के सबसे करीब जो शेडो है वो सबसे डार्क है। जैसे जैसे शेडो एप्पल से दूर होता जाएगा शेडिंग लाइट होती जाएगी। इसमें हम मीडियम और लाइट टोन देख सकते हैं। अब मैं इरेजर की मदद से जो सूरज था उसको मिटा रही हूँ, जो मैंने लाइट डायरेक्शन दिखाने के लिए बनाया था। अब मैं रूलर की मदद से टेबल की लाइन बना रही हूँ ताकि एप्पल की प्लेसमेंट नजर आए कि कहां रखा हुआ है। ये रही हमारी कंप्लीट ड्राइंग विद शेडिंग। इसमें आप सारी टोनल वैल्यूज भी देख सकते हैं। My little artists, I'm giving you a practice. Draw and shade any two easy objects live. Keep practicing.